राज्यपाल इतने मर्द हैं, मैं खुला चैलेंज करती हूँ, अगर वो मर्द हैं तो बैलेट पेपर से करा के देखें, उनकी मोस मुड़वा देंगे हम। तो इस बार भी तो ईवीएम से ही होने जा रहा है चुनाव, तो आपको क्या लगता है? ईवीएम वही तो कह रहे, बैलेट पेपर से करा के देखे। ईवीएम तो हमेशा हम लोगों को ड्यूटी लगती थी, एनसीसी कमांडो है फैजाबाद दर्शन नगर से, हमको उठा लिया गया 5 बजे, जो बक्सा सील होता है बाहर से बक्सा आया, अंदर किया जाए, अंदर का बक्सा बाहर, हमको तुरंत यहाँ उठा के हजरतगंज थाने में लाया गया। हम कमांडो थे, मैं अपनी आवाज क्यों नहीं उठाऊंगी? ड्यूटी लगा इसका मतलब जो आप कहोगे वही हम करेंगे। आपको लगता है कि ईवीएम में खेल होता है? ईवीएम से हम तो कहते, हमको जहाँ बताए वहाँ पे मैं अपनी सच्चाई कहूँगी। आप जो बोल रहे हैं अभी सच्चाई हमको लगता है दिखा नहीं पाए, क्योंकि मीडिया को भी इन्होंने खरीद लिया भाजपा सरकार ने, समझ रहे ना? हम लोगों को घर घर जाके संदेश ये पहुंचाना है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। आपको लगता है अपना बोरिया बिस्तर बांध के योगी जी मंदिर में जाएं और मोदी अपने श्राद्धा अपनी वाइफ के पास जाएं? भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी